नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 47वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी, जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय नेटवर्क के संबंध में। नेटवर्क के प्रमुख घटकों की चर्चा हम करेंगे, प्रमुख नेटवर्क डिवाइस के बारे में हम जानेंगे, नेटवर्क के प्रकार के बारे में जानकारी जुटाएंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, OSI मॉडल क्या है इसकी चर्चा भी हम करेंगे, TCP/IP मॉडल क्या है इसकी चर्चा, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात हम करेंगे, अंत में हम इस अध्याय के संबंध में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा या उनका डिस्कशन भी करेंगे। तो बने रहें दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक। चलिए हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के सामान्य परिचय से। दोस्तों, जब किन्हीं भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को सूचना प्रदान करने के लिए आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस को डाटा, सूचना आदान प्रदान करने के लिए जब हम जोड़ते हैं, तो एक नेटवर्क बनता है, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आपस में किन्हीं डिवाइस को वायर या वायरलेस माध्यम से जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। दोस्तों, आप किसी भी डिवाइस को या तो वायर की सहायता से जोड़ते हैं या वायरलेस जोड़ते हैं। उम्मीद है आपको वायर और वायरलेस में डिफरेंस मालूम होगा। तो इस प्रकार से जब आप कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से रिसोर्सेस को शेयर किया जाता है, जो संसाधन होते हैं उनको आपस में शेयर किया जाता है। इसके द्वारा दो कंप्यूटर के मध्य अधिक तेज गति से डाटा या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों? नेटवर्क के द्वारा, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। दोस्तों, अर्पानेट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। यह बिंदु आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा के संचार एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा का आदान प्रदान, डाटा का संचार होता है, वह एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में होता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के घटक की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्वर को। दोस्तों, सर्वर से कनेक्ट डिवाइस क्लाइंट्स के लिए सेवाएं देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, सर्वर से जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है, वह क्लाइंट अर्थात यूजर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, सेवाओं को देने के लिए, मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। उदाहरण FTP सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्क स्टेशन या क्लाइंट की। दोस्तों, सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा कंप्यूटर होता है, जो वांछित जानकारियों के लिए नेटवर्क सर्वर के रिसोर्स का उपयोग करता है। यह सामान्यतः पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। आपसे यहां पर बात की जा रही है वर्क स्टेशन या क्लाइंट की। दोस्तों, वर्क स्टेशन क्या होता है? सर्वर के या सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा एक कंप्यूटर होता है, जो वांछित जानकारियों के लिए नेटवर्क सर्वर के रिसोर्स का उपयोग करता है। यह सामान्यतः एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिस पर हम और आप जैसे लोग काम करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संचार माध्यम की।
दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर के मध्य संदेश पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कम्युनिकेशन मीडियम या संचार माध्यम कहते हैं, जैसे केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट आदि। इनके माध्यम से क्लाइंट मतलब हमारा कंप्यूटर और सर्वर के बीच में कनेक्शन बिल्ड होता है, जिससे आपस में संदेश आदान प्रदान होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेटवर्क कार्ड, कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों NIC को ईथरनेट कार्ड के द्वारा, नेटवर्क एडेप्टर, लाइन एडेप्टर, ब्रॉडबैंड कार्ड या एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आदि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, NIC को ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क एडेप्टर, लैन एडेप्टर, ब्रॉडबैंड कार्ड, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आदि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल की। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है, जैसे कि HTTP, FTP, TCP या IP। दोस्तों यदि आपको इनके फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले हमने बात करी थी सर्वर की। सर्वर से कनेक्ट डिवाइस क्लाइंट के लिए सेवाएं देने के लिए उपयोग में लेते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है दोस्तों? सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा कंप्यूटर होता है, जो वांछित जानकारियों के लिए नेटवर्क सर्वर के रिसोर्स का उपयोग करता है। संचार माध्यम क्या होता है दोस्तों? संचार माध्यम ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के मध्य संचार या संदेश पहुंचाया जाता है, जैसे कि केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट आदि आदि। फिर हमने बात करी थी नेटवर्क कार्ड की। अंत में हमने बात करी नेटवर्क प्रोटोकॉल की। दोस्तों इस प्रकार के डाटा के संचार के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनको पालन करना होता है, उन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें शामिल है HTTP, FTP, TCP या IP। अब हम चर्चा करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस की। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं, उदाहरण हब, राउटर, रिपीटर आदि। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख नेटवर्किंग डिवाइस दिए हुए हैं, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर आदि। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हब की। दोस्तों दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हम हब का उपयोग करते हैं। इसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क के आकार को बढ़ाने के लिए हब का उपयोग किया जाता है। हब में कई सारे पोर्ट्स होते हैं। यह किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डाटा पैकेट को अन्य सभी पोर्ट्स में भेज देता है। यह रिसीवर या रिसीविंग कंप्यूटर पर निर्भर करता है कि वह पैकेट उसके लिए है या नहीं। दोस्तों हब तो सभी कंप्यूटर्स को पैकेट भेज देगा, लेकिन यह डिपेंड करेगा रिसीविंग कंप्यूटर के ऊपर कि जो भी पैकेट उसके लिए भेजा गया है वह उसके काम का है या नहीं। यदि होगा तो रख लेगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों हब को डम्ब डिवाइस या नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, हब को डम्ब डिवाइस या नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस भी हम कहते हैं। यह सबको भेज देता है, आवश्यकता हो या नहीं यह कंप्यूटर निर्धारित करेगा कि भेजा हुआ पैकेट, जो डाटा का पैकेट है, वह कंप्यूटर के काम का है या नहीं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हब में आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को जोड़ने के लिए हब का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हब के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें शामिल है पैसिव हब, एक्टिव हब, इंटेलिजेंट हब और स्विचिंग हब। दोस्तों पैसिव हब या निष्क्रिय हब, वह हब जो डाटा ट्रांसफर के लिए बिना किसी प्रोसेसिंग के केवल मार्ग प्रदान करता है, इसे हम पैसिव हब कहते हैं। प्रोसेसिंग नहीं करता, सिर्फ मार्ग प्रदान करता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। फिर हम बात करेंगे एक्टिव हब या सक्रिय हब की। दोस्तों वह हब जो डाटा ट्रांसफर के लिए प्रोसेसिंग कार्य की क्षमता रखता है उसको हम कहते हैं एक्टिव हब। इंटेलिजेंस हब, दोस्तों वह हब जो डाटा ट्रांसफर के दौरान अतिरिक्त डाटा को गाइड भी करता है उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट हब। फिर स्विचिंग हब, दोस्तों जो डाटा पैकेट पर अंकित एड्रेस को पहचान कर सभी पैकेट को सही मार्ग प्रदान करता है उसे हम कहते हैं स्विचिंग हब। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हब के बाद हम चर्चा करेंगे स्विच की। आखिर स्विच क्या होता है? दोस्तों
हब की ही तरह स्विच भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। इसे हब की कमियों को दूर करने के लिए यूज करते हैं। यह हब की तरह डाटा को पूरे नेटवर्क में नहीं भेजता, बल्कि पहले चेक करता है कि कौन से सिस्टम या पोर्ट को यह डाटा भेजा जाए। हब की तरह सभी के लिए डाटा के पैकेट्स नहीं भेजता, यह पहले चेक करता है, उसके बाद निश्चित स्थान पर ही डाटा को भेजता है। दोस्तों, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। हब को हम डंब या नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहते थे, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। स्विच के द्वारा डाटा ट्रैफिक को कम किया जाता है। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों देखिए, इंटरनेट से यहाँ पर नेटवर्क का ट्रैफिक आया, स्विच के माध्यम से ट्रैफिक ए को हमने इस कंप्यूटर की ओर, ट्रैफिक बी को हमने दूसरे कंप्यूटर की ओर डाइवर्ट किया। किसने किया? स्विच के माध्यम से किया। तो दोस्तों, इसने निश्चित डाटा को निश्चित या निर्धारित कंप्यूटर के पास पहुंचाया। इससे डाटा ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है। इसकी जगह पर यदि हब होता तो हर जगह भेज देता, फिर इनको चुनना पड़ता कौन सा इनके काम का है, कौन सा इनके काम का नहीं है, सारा का सारा। लेकिन स्विच ने खुद से ही चेक किया डाटा को और निर्धारित सिस्टम तक, निर्धारित पोर्ट तक डाटा को पहुंचाया, जिससे डाटा ट्रैफिक को भी कम किया गया। अब हम बात करेंगे राउटर की। दोस्तों, नेटवर्क में जितना डाटा ट्रांसफर किया जाता है वह पैकेट के माध्यम से भेजा जाता है। राउटर दोस्तों पैकेट की जांच करता है और केवल उपयोगी पैकेट को नेटवर्क में भेजता है। याद रखना है दोस्तों, राउटर क्या करता है? पैकेट की जांच करता है और केवल उपयोगी पैकेट को नेटवर्क में भेजता है। यह पैकेट को तेजी से पहुंचाने के लिए और निर्देशित करने के लिए सबसे अच्छे मार्ग का चयन करता है। इसे मोर इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता था, राउटर को दोस्तों मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। और दोस्तों, राउटर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, जो राउटर होता है वह OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रिज की। दोस्तों, ब्रिज के द्वारा दो समान नेटवर्कों को जोड़ा जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। याद रखें दोस्तों, ऐसे दो नेटवर्क को जोड़ा जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। यह प्रत्येक डाटा की जांच कर उसी नेटवर्क को भेजता है जिसके लिए डाटा बना हुआ है। डाटा ट्रांसफर के साथ साथ है डाटा फिल्टरिंग का कार्य भी करता है। दोस्तों याद रखें, दो समान नेटवर्क को जोड़ता है कौन? ब्रिज। और इनमें समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। उसी नेटवर्क को डाटा भेजता है जिसके लिए वह बना होता है। और याद रखें दोस्तों, जो ब्रिज होता है डाटा की फिल्टरिंग का काम भी करता है। इस प्रकार से ब्रिज को कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गेटवे की। दोस्तों, गेटवे के द्वारा दो समान नेटवर्क को जोड़ा जाता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं या अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ब्रिज में भी क्या था दोस्तों, दो समान नेटवर्क को जोड़ रहे थे, गेटवे में भी हम दोस्तों समान नेटवर्क को जोड़ रहे हैं। बस अंतर इतना है, ब्रिज में हम समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ते थे जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे होते थे, गेटवे में हम ऐसे दो नेटवर्कों को जोड़ेंगे, ऐसे दो समान नेटवर्कों को जोड़ेंगे जो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसका उपयोग एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में बदलने के लिए भी किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, गेटवे का उपयोग एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में बदलने के लिए भी किया जाता है। इसे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। सीधा प्रश्न बनेगा दोस्तों, प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहा जाता है? तब आप आंसर करेंगे दोस्तों, गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है। दोस्तों यह OSI मॉडल की सभी 7 लेयरों पर उपस्थित होते हैं। गेटवे दोस्तों OSI मॉडल की 7 लेयर पर उपस्थित होते हैं, 7 लेयरों पर उपस्थित होते हैं। जबकि हमने बात करी थी किसकी? हमने बात करी थी राउटर की। राउटर OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, गेटवे सभी लेयर 7 लेयर पर उपस्थित होता है, जबकि राउटर को दोस्तों हम नेटवर्क लेयर पर लगाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे रिपीटर की। दोस्तों दो कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए हम रिपीटर का उपयोग करते हैं। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। यह डाटा ट्रांसफर करने से पहले सिग्नल को रीजनरेट करता है। कौन करता है दोस्तों? रिपीटर करता है रीजनरेट डाटा ट्रांसफर से पहले सिग्नल को। किसी भी नेटवर्क में जितना अधिक रिपीटर का उपयोग किया जाता है उस सिग्नल की
उसका सिग्नल स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होता है। याद रखें दोस्तों, जब आप किसी सिग्नल में रिपीटर का अधिक उपयोग करेंगे तो उस सिग्नल की सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दोस्तों OSI मॉडल की फिजिकल लेयर या फर्स्ट लेयर में रिपीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, राउटर का उपयोग करते हैं हम, राउटर का उपयोग करते हैं नेटवर्क लेयर में, रिपीटर का उपयोग करते हैं हम अब फिजिकल लेयर या फर्स्ट लेयर में, गेटवे का उपयोग दोस्तों हम सेवन लेयरों पर कर सकते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे मॉडेम की। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में हम बदलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग करते हैं, तो इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं तो डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दर्शाया जा रहा है दोस्तों, डिजिटल सिग्नल से अपना एनालॉग में बदला तो यहाँ पर क्या हो गया, मॉड्यूलेशन कर दिया गया, इसके विपरीत डीमॉड्यूलेशन। अब हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की, कि आखिर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। याद रखिए, कंप्यूटर को जिस जिस प्रकार से हम अलग अलग तरीकों से आपस में जोड़ सकते हैं, उस प्रकारों को हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के निम्न प्रकार हो सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की, रिंग टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी की, ट्री टोपोलॉजी की और मैश टोपोलॉजी की। शुरुआत हम करेंगे बस टोपोलॉजी से। दोस्तों इसे लीनियर या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ध्यान रखें, बस टोपोलॉजी को हम लीनियर या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क की सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़ी होती हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, बस की तरीके से आपको यहाँ पर यह टोपोलॉजी दिख रही होगी। इस टोपोलॉजी में उपयोग होने वाले केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है। बहुत सारे फैक्ट दोस्तों आपके लिए बस टोपोलॉजी में याद करने के हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है। बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी या मल्टी पॉइंटिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें सभी डिवाइस दोस्तों एक ही केबल से जुड़े होते हैं और इस केबल को हम कहते हैं बैकबोन केबल, क्योंकि सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन डिवाइस डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर भेजी जाती है। आपको ध्यान रखना है, बस टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाती है, डिवाइस डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर भेजी जाती है। डेस्टिनेशन एड्रेस मैच ना होने पर बाकी का डेटा टर्मिनेट हो जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों बस टोपोलॉजी का उपयोग हम लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, LAN नेटवर्क में करते हैं। इसके यदि हम लाभ की बात करें तो दोस्तों इस टोपोलॉजी की या बस टोपोलॉजी की लागत अधिक नहीं होती। इसमें कंप्यूटर को जोड़ना हटाना आसान होता है। किसी कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। हानि की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसमें खराब हुए नोड या कंप्यूटर का पता लगाना मुश्किल होता है। अधिक संख्या में नोड जुड़ जाने से सिस्टम का फ्लो धीमा हो जाता है या सिस्टम स्लो काम करने लगता है ना। मुख्य केबल के खराब हो जाने पर संपूर्ण नेटवर्क शटडाउन हो जाता है। किस टोपोलॉजी में दोस्तों, बस टोपोलॉजी में। कॉमन सेंस वाली बात है, यदि बीच में से केबल उड़ गई, टूट गई, तो सारा सिस्टम ही फ्लॉप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। दोस्तों रिंग टोपोलॉजी को आप इस डायग्राम में सबसे पहले देख लें, फिर कॉमन सेंस से काफी सारी चीजें आ जाएंगी। इसको हम सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। इस नेटवर्क का अंतिम कंप्यूटर नेटवर्क के पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। दोस्तों सभी डिवाइस अपनी नजदीक की दो डिवाइस से कनेक्ट रहते हैं, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। दोस्तों देखिए, हर डिवाइस अपने आसपास की दो डिवाइस से कनेक्ट है। यह टोकन पास तकनीक पर काम करती है। इसको आप ध्यान रख लें कि रिंग टोपोलॉजी टोकन पास टेक्निक पर काम करती है। इसमें सभी डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करते हैं। किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करते हैं, तब आपको आंसर करना होगा कि रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइस रिपीटर की तरह काम करते हैं। इसमें डाटा प्रवाह एक ही दिशा में होता है, सीधी सी बात है। अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के लाभ की, जिसमें शामिल है मैनेज करने में आसानी, अच्छी स्पीड प्राप्त होती है, इंस्टॉल करने में कम लागत आती है। यह थे लाभ किसके, रिंग टोपोलॉजी के। हानि की बात करें दोस्तों, एक डिवाइस डिस्कनेक्ट होने पर सारा नेटवर्क खराब। आप इसी में देख सकते हैं इतने सारे, कितने 8 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। एक कंप्यूटर मान लो खराब हो गया, तो फिर यहां से नेटवर्क का फ्लो टूट गया, तो एक डिवाइस डिस्कनेक्ट होने से सारा नेटवर्क खराब हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में। अब हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की।
दोस्तों सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण हब के साथ जोड़े जाते हैं। हब कंप्यूटर को बदलकर अन्य कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने पर नेटवर्क स्पीड प्रभावित नहीं होती। यह बढ़िया चीज है दोस्तों। इसकी आज सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। लाभ की यदि हम बात करें तो दोस्तों किसी भी नोड या कंप्यूटर के खराब होने पर आसानी से बदल देंगे। ये खराब हो गया, इसको चेंज कर दिया है ना, इसी प्रकार से आसानी से चेंज कर सकते हैं। हानि की बात करें, हब के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है दोस्तों। अब इतना रिस्क तो दोस्तों लेना पड़ेगा हब के खराब हो जाने पर। पहले कंप्यूटर खराब होने की टेंशन थी, अब यहाँ हब लगाया तो भाई हब के खराब हो जाने की टेंशन बढ़ गई। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, कंप्यूटर खराब होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हब खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। इस टोपोलॉजी को बनाने में अधिक केबल की आवश्यकता होती है। हर कंप्यूटर को देखो दोस्तों अलग अलग केबल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो इतना तो करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी की। इसका निर्माण बस और रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, किस टोपोलॉजी का निर्माण बस और रिंग टोपोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाता है? तो बस प्लस रिंग टोपोलॉजी इक्वल टू ट्री टोपोलॉजी। इसमें अनेक स्विच को एक ही केबल से जोड़ा जाता है। इसमें ट्री टोपोलॉजी में अनेक स्विच को हम एक ही केबल से जोड़ देते हैं। इसमें सामान्यतः ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। नोड कंप्यूटर को जोड़ने में कठिनाई, इसलिए इस टोपोलॉजी का उपयोग कम किया जाता है दोस्तों। ट्री टोपोलॉजी का उपयोग कम किया जाता है ना। लाभ की हम बात करें तो नेटवर्क के विस्तार में आसानी होती है, फॉल्ट डिवाइस को खोजने में आसानी होती है। हानि की बात करें, केबल खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क खराब हो जाता है दोस्तों। यही खराब हो गई तो काम खत्म हो गया है ना। इंस्टॉल करने में कठिनाई आती है, अन्य टोपोलॉजी की तुलना में महंगी है, तो यह इसके हानि हो गई किसकी, ट्री टोपोलॉजी की। अब हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी की। दोस्तों इस नेटवर्क में सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोस्तों देखिए, यह कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। यहाँ पर दोस्तों 5 कंप्यूटर दर्शाए गए हैं और हर कंप्यूटर बाकी के 4 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी टोपोलॉजी को कहते हैं मैश टोपोलॉजी। इसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं? तो मैश टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में डाटा किसी भी रूट से डेस्टिनेशन तक आ सकता है। इसमें डेटा फ्लो किसी भी दिशा में हो सकता है। अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त टोपोलॉजी कौन सी है? मैश टोपोलॉजी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए आप मैश टोपोलॉजी का उपयोग करेंगे। मैश टोपोलॉजी में दोस्तों डाटा जो है किसी भी दिशा में फ्लो हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है, और मैश टोपोलॉजी को हम दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों जिन जगह पर नेटवर्क फ्रिक्वेंसी ब्रेक होते हैं वहाँ पर मैश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो डाटा पहुँच जाना है। यदि हम लाभ की बात करें तो दोस्तों फॉल्ट खोजने में आसानी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की अधिकता होती है मैश टोपोलॉजी में। हानि की बात करें तो दोस्तों अन्य टोपोलॉजी की तुलना में महंगी है। दोस्तों महंगे होने को हानि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है तो है, कमी बोल सकते हैं। इंस्टॉल करने में कठिनाई आती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेटवर्क के प्रकार के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो देश के किसी कोने में बैठकर आपकी तरह किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले पाएं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों ये मैंने बनाया है बेल आइकन, आप इसको जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियोस हम बनाएं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।